मूर्ख असुर, जिन ब्रह्मदेव ने तुझे वरदान दिया, जिनके बल पर तू सृष्टि पर विजय पाने चला था, उन्हीं पर प्रहार कर दिया। मुझे मूर्ख बुलाने का दुस्साहस कैसे किया आपने? आप दोनों को कष्ट तो नहीं पहुंचाऊंगा मैं, किंतु आपके किए प्रत्येक अपमान के परिणाम स्वरूप आपकी सृष्टि को अवश्य कष्ट दूंगा मैं। नारायण, वितल, सुतल, तलातल लोग, सभी लोग बवंडर में समाहित हो गए हैं। हमें शीघ्र कुछ करना होगा, अन्यथा पृथ्वी से निम्न लोग मात्र अतल लोक शेष है। उसके बाद पृथ्वी और अन्य ग्रह भी ब्रह्मांडीय बवंडर में समाहित हो जाएंगे, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। कहा था मैंने, पूर्व में ही कहा था मैंने, दो बातें हैं ब्रह्मदेव। एक, मुझे अपना प्रभु स्वीकार कर लीजिए तो मैं अभी इस संकट को दूर कर देता हूं, और दो, मुझे अहंकारी बुलाते हैं ना आप, किंतु ये तो आपका हट है कि जिसके कारण देवी भुवनेश्वरी द्वारा रचे गए ये भुवन नष्ट हो रहे हैं। मैं अभी इस बवंडर को नष्ट करता हूं। बवंडर को मिटा दोगे नारायण, मेरे रचे हुए बवंडर को? यह असंभव है। गरुड़ जी, चलिए। ये क्या करने जा रहे हैं नारायण? अपने सर्वाधिक शक्तिशाली शस्त्र का प्रयोग करने जा रहे हैं नारायण? त्रिखुर, मेरा ये सुदर्शन चक्र तुम्हारे इस बवंडर को भेद कर नष्ट कर देगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं महासंकट में आ जाऊंगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। मेरा सुदर्शन चक्र अशक्त कैसे हो गया? इस बवंडर की उत्पत्ति मेरे वरदान से हुई है, इसीलिए मेरे वरदान की मर्यादा से बंधे होने के कारण नारायण का सुदर्शन चक्र इस बवंडर को नष्ट नहीं कर पा रहा है। दो बातें हैं नारायण। एक, आप अथवा आपका यह सुदर्शन चक्र
मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। और दो, आपकी भलाई अब इसी में है कि आप अपनी पराजय स्वीकार कर नतमस्तक हो जाए मेरे समक्ष। नारायण, अतल लोक भी नष्ट हो रहा है, अर्थात अब पृथ्वी का आखिर करेगा ये बवंडर, सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। इसे रोकने का क्या उपाय है? चक्र ने माता सती दाह के पश्चात पिताश्री के तांडव को रोककर सृष्टि को संकट से रक्षित किया था, वही चक्र उस बवंडर को रोक पाने में असफल हो गया। हाँ, नारायण का वो सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र भी उस असुरी बवंडर के सामने असफल हो गया। फिर क्या हुआ माता? आगे का घटनाक्रम तो अत्यंत रोचक है गणेश, क्योंकि वो मेरी ही लीला पर तो आधारित है। रिखुर का क्या हुआ होगा? माता ने उन्हें कैसे परास्त किया, ये जानने के लिए तो मैं अति उत्सुक हूँ। रिखुर का अहंकार तो बढ़ता ही जा रहा था। मेरे वरदान से उत्पन्न हुआ बवंडर और विकराल हुआ जा रहा था। पृथ्वी से निम्न सभी लोगों को वो निगल चुका था। अब इस क्रम में पृथ्वी और पृथ्वी से निम्न लोग आने वाले थे, और साथ ही त्रिखुर के समक्ष मेरी सारी शक्तियां विफल हो रही थी, क्योंकि ब्रह्मदेव के वरदान का आदर करना मेरी शक्तियों के लिए अनिवार्य था। माता, त्रिखुर का बवंडर पृथ्वी लोक को निगल ही गया। आनंद आ रहा है मुझे, अत्यंत आनंद आ रहा है मुझे इस दुष्ट को पराजित करने का, इसके बवंडर को रोकने का। कोई ना कोई उपाय शीघ्र ढूंढना होगा हमें। क्योंकि यदि हम त्रिखुर को रोक न सके तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। दो बातें, एक, स्वयं ब्रह्मदेव ने मुझे यह दंड दिया है। तथास्तु, 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 तथास्तु। जिसमें इस भयंकर बवंडर को उत्पन्न करने की शक्ति है। और दो, मेरा विनाश असंभव है, त्रिदेव भी मेरा वध नहीं कर सकते। इस संसार की कोई भी विद्या, कोई भी शक्ति
मुझे एक क्षति न पहुंचा सक, त्रिदेव की विद्या भी नहीं। तथास्तु। और संपूर्ण सृष्टि में ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मुझे क्षति पहुंचा सके। अजय है हमारे स्वामी, त्रिदेव भी अक्षम है हमारे स्वामी के समक्ष। ब्रह्मदेव से त्रिखुर ने ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए थे जिससे उस दुष्ट का नाश असंभव हो गया था। उसके बवंडर की शक्ति में वृद्धि हो रही थी, पृथ्वी संकट में थी और सभी ग्रह अपनी अपनी धुरी से भटक रहे थे। इस संकट का समाधान मेरी भी समझ से परे था और कैलाश पर महादेव को भी त्रिखुर के बवंडर के दुष्परिणाम का आभास होने लगा था। नारायण, ब्रह्मदेव। महादेव, महादेव, त्रिखुर के द्वारा उत्पन्न किया यह भयंकर बवंडर नियंत्रण से बाहर जा रहा है। मुझे ज्ञात है नारायण, वो क्या कर रहा है मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, किंतु आप, मैं और ब्रह्मदेव इस बावंडर को नहीं रोक सकते, क्योंकि हम तीनों ब्रह्मदेव के द्वारा त्रिखुर को दिए वरदान की मर्यादा में बंधे हैं। किंतु महादेव, इसका कोई ना कोई समाधान तो ढूंढना ही होगा हमें। समाधान वो ढूंढेगी जो आदि शक्ति है, श्री महाकाली, जगत जननी, त्रिपुर सुंदरी है। नारायण, आप और ब्रह्मदेव सौराष्ट्र के हरिद्र सरोवर पर जाकर ब्रह्मांड की जननी को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड को इस संकट से एकमात्र वही उबार सकती है। करुण जी, ये नारायण बिना मेरे समक्ष झुके कहां जा रहे हैं? युद्ध को मध्य में ही छोड़कर अब ये दोनों कहां जा रहे हैं? स्वामी, कहां गए ये दोनों? कहीं आपकी योजना उल्टी तो नहीं पड़ गई? भयभीत होकर भाग गए। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव को सृष्टि के पालनहार नारायण संकट में छोड़कर भाग गए, और फिर स्वयं ब्रह्मदेव भी मेरे भय से अंतर्ध्यान हो गए। इतना शक्तिशाली हूं मैं। देह में तो महादेव भी सम्मिलित हैं, तो उनका क्या होगा स्वामी? दो बातें। एक, महादेव तो मेरा सामना करने भी नहीं आए, और दो, जो भयभीत होकर मेरा सामना नहीं कर सकते वो भला मुझे क्या क्षति पहुंचाएंगे? इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव। प्रणाम महादेव। स्थिति निरंतर नियंत्रण के बाहर होती जा रही है। पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह उस दुष्ट त्रिकुर के बवंडर के मुख में प्रवेश करने ही वाले हैं। पृथ्वी से उच्च ग्रह भी अपनी धुरी से भटक चुके हैं। सृष्टि पर घनघोर संकट छाया है प्रभु, क्या इसे रोकने के लिए हम कुछ कर नहीं सकते? अवश्य कर सकते हैं देवराज, इसीलिए तो मैंने आप सभी को यहां बुलाया है। हम त्रिखुर के कृत्यों की गति को विलंबित कर इस संकट का समाधान ढूंढने के लिए कुछ अतिरिक्त समयावधि अवश्य उत्पन्न कर सकते हैं।
कदंब वन चारिणी मुनि कदंब कादंबिनी नितंबजित भूधरां सुर नितंबिनी सेवितां नवंबुरूह लोचनां भिनवांबुदशामलां त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरी माश्रये। काल आ गया है, प्रलय काल, सब कुछ कंपित हो रहा है, ऊपर गिरते ग्रहों की छाया है, पृथ्वी भी खंडित हो रही है, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित है, अब कोई शेष नहीं रहेगा, प्रभु ही रक्षा करे तो करे, अन्यथा हमें इन कष्टों से मुक्त करे। ये क्या हो रहा है? ये ग्रह अपने स्थान से हट रहा है, पृथ्वी संकट में है, हम सभी संकट में हैं। प्रभु हमारी रक्षा करें, प्रभु प्रभु हमारी रक्षा करें, प्रभु प्रभु रक्षा करें, रक्षा करें प्रभु। वो क्या है, वो क्या है? अरे ये तो मंगल ग्रह है, ये तो पृथ्वी के बहुत निकट आ रहा है, ओ, अब क्या होगा? ये ग्रह पृथ्वी से टकराने जा रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा? मंगल ग्रह को संभालता हूँ, कोई शीघ्र बुध और बृहस्पति को आपस में टकराने से रोकिए, अन्यथा अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं बृहस्पति ग्रह को संभालने में सक्षम हो रहा हूँ इंद्रदेव, किंतु प्रतीत होता है बुध ग्रह इस पवंडर के भीतर संभालने ही वाला है। मैंने शुक्र ग्रह को संभाल लिया है। देवताओं का इतना दुस्साहस, ग्रहों को बांध कर मुझे चुनौती दे रहे हैं ये, किंतु मेरे पवंडर के समक्ष नहीं टिक सकेंगे ये दुर्बल देवता। दो बातें हैं देवताओं, एक, तुम अपने दुर्बल फंदों से इन ग्रहों को कब तक रोक सकोगे?
और दो, पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा? पावंडर में प्रवेश करने वाली माता, त्रिखुर की दुष्टता अपने चरम पर थी, जगत को क्षति पहुंचा रहा था वो। तो क्या पिताश्री, जगत पिता महादेव उसे रोकने वहां पहुंचे? दो बातें, एक पृथ्वी नष्ट और दो तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट। इस पवंडर के भीतर खींची चली जा रही है। ये क्या हो रहा है? कौन है ये? महादेव, महादेव, महादेव! महादेव, विलंब अवश्य किया आपने, किंतु अंततः आने पर विवश हो ही गए ना। आपके अन्य दो देव ब्रह्मदेव और नारायण तो भयभीत होकर पूर्व ही भाग चुके, तो अब आप और ये तुच्छ देवता मिलकर क्या क्षति पहुंचा सकते हैं मुझे? अभी भी समय है, मुझे अपना प्रभु स्वीकार करो तो मैं ये सब रोक दूंगा। समस्त ग्रह खींचे जा रहे हैं, ये पवंडर बहुत ही प्रचंड है। मुझे ज्ञात नहीं और कितने समय तक हम इसे नियंत्रित कर पाएंगे। अब जो शेष है वो मैं ब्रह्मदेव और नारायण पर छोड़ता हूं। देवी आदि शक्ति को यहां शीघ्र लौटने का दायित्व अब उन्हें निभाना है। कदम्ब वन शालया, कुछ भरोल्लसन मालया, कुछ उपमित शैलया, गुरु कृपाल सत्वेलया, मदारुण कपोलया, मधुर गीत वाचालया, कयापि घन लीलया, कवचितावयं लीलया। नारायण,
प्रणाम देवी त्रिपुर सुंदरी। नारायण, ब्रह्मदेव, मुझे ज्ञात है आपके यहाँ आने का कारण, ज्ञात है आपकी चिंता। आपके और सृष्टि के महासंकट का समाधान मेरे हृदय से प्रकट होगा। प्रणाम देवी बगलामुखी। नारायण, ब्रह्मदेव, मैं आपको वचन देती हूँ कि त्रिखुर का नाश अवश्य होगा, शीघ्र होगा। धन्यवाद देवी। माता, त्रिखुर तो मात्र एक असुर था, आप तो अपने किसी भी स्वरूप में उसे उचित पाठ सिखा सकती थी ना? तो फिर आपने माँ बगलामुखी का ही रूप क्यों धारण किया? मात्र एक असुर अवश्य था वो, किंतु अत्यंत चतुर था। उसने अपने पूर्वजों की भूलों से सीखकर एक ऐसा वरदान मांगा जिसका तोड़ निकाल पाना अत्यंत कठिन था। वो वरदान उसे प्रत्येक रूप में रक्षित कर रहा था। उसने दो वरदान मांगे थे, एक ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न करने की शक्ति और दूसरा कि त्रिदेव उसका वध ना कर सके। और हाँ, ये भी कि उसे कोई अन्य विद्यमान विद्या क्षति भी नहीं पहुंचा सके। हाँ, और इसीलिए सर्वप्रथम मेरे लिए आवश्यक था कि मैं एक ऐसी विद्या उत्पन्न करूं जिसका अस्तित्व अभी तक नहीं था, जो त्रिखुर के मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित कर सके, जो उसकी बुद्धि को निष्क्रिय कर उसके विचारों को अनियंत्रित कर दे। ऐसी कौन सी विद्या उत्पन्न की आपने माता? मोहन, मोहन, मोहन। मोहन विद्या माता? ये क्या है मोहन विद्या माता? मोहन विद्या वो विद्या है गणेश, जिससे किसी को भी सम्मोहित कर उसकी बुद्धि और विचारों को भी स्तंभित किया जा सकता है। तो आपने उस विद्या का प्रयोग किस प्रकार किया माता? संभालो अपने आप को और बल लगाओ। अंधे देवता भी क्लांत हो रहे हैं, अधिक समय तक नहीं टिक सकेंगे वो भी। महादेव, अधिक समय तक स्थिर नहीं रह पाऊंगा मैं। चंद्रदेव, संभालिए अपने आप को। महादेव, महादेव, चंद्रदेव। महादेव,
व्यर्थ है आपके सब प्रयास महादेव। अधिक समय तक मेरे बवंडर से सुरक्षित कहां रह सकेंगे आप? वही प्रश्न तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। अपनी सुरक्षा का क्या उपाय करोगे त्रिखुर? अब तुम्हारा अंत निकट है त्रिखुर। कौन है ये देवी? कौन है ये देवी जिन्हें देखकर अकारण ही भयभीत हो रहा हूं मैं? ये क्या महादेव, त्रिदेव स्वयं कुछ नहीं कर सके तो उन्होंने एक देवी को भेज दिया? मेरा भला क्या कर सकेगी ये देवी? ये पाश कैसा है जिसे मुझ पर केंद्रित कर रही है ये देवी? दिए वचन के अनुसार मैंने अपने देवी बगलामुखी रूप में प्रकट होकर मोहन विद्या की रचना की और उससे त्रिकुर को प्रभावित किया। अस्त्र शस्त्र की शक्ति नहीं, मात्र ये लघु परी उत्पन्न हुई है इस पाश से। इस मायाविनी को तो मैं ही कुचल दूंगी। नहीं नहीं दुर्मुखा, तुम पीछे हटो, इसका अंत तो मैं ही करूंगी। तुम रहने दो, इसे तो मैं अपने ही हाथों से कुचल कर खा जाऊंगी। ये मेरा अधिकार है, हटो प्रथामती। नहीं, मुझे जाने दो, स्वामी मैं इसको खाऊंगी। तुम दूर रहो प्रथामती। ये कैसा परिवर्तन आ गया है इस परी में? ये क्या करने जा रही है अब? महादेव, अब मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो अब जो भी करना है मुझे ही करना है, इसीलिए अब आप और देवताओं को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। देवगण, अपने बंधन हटा लीजिए। पृथ्वी एवं अन्य लोगों की रक्षा, जिसके लिए मेरा त्रिखुर के बवंडर को रोकना अति आवश्यक। दुर्मुखा, स्वामी का बवंडर थम गया। हाँ प्रथामती, परंतु ये सब कैसे हुआ और किसने किया? अब स्वामी क्या करेंगे हमारे? फिर मैंने सभी लोगों को उनके स्थान पर स्थित कर दिया, क्योंकि प्रत्येक जीव की शक्ति मेरी ही तो शक्ति है। संसार में विद्यमान कोई भी शक्ति अर्थात मेरी शक्ति, ये नक्षत्र और ग्रह भी मेरी ही शक्ति से अपने स्थान पर स्थित है। इसलिए मैंने स्वयं को ही निर्देश देकर सब कुछ यथावत कर दिया। स्वामी, प्रभु, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? हाँ स्वामी, ये देवी तो आपके सारे किए धरे को ध्वस्त कर रही है। स्वामी, कुछ शीघ्र कीजिए ना स्वामी। और फिर मेरी मोहन विद्या ने त्रिकुर को पूर्ण रूप से भ्रमित कर दिया।
पुत्र त्रिपुर। ब्रह्मदेव यहां इतनी निश्चिंतता के भाव के साथ, ये कैसे संभव है? अभी तक तो पृथ्वी को बवंडर के भीतर होना चाहिए था, वो अभी तक अपने स्थान पर कैसे है? मेरा बवंडर कैसे रुक गया और महादेव एवं देवता कहां गए? ब्रह्मदेव, दो बातें। एक, क्या किया आपने? और दो, मेरी योजना चक्र को बाधित करने का दुस्साहस कैसे किया आपने? हाँ प्रभु, हम भी। बस शांत हो जाओ तुम दोनों, मैं वार्तालाप कर रहा हूं, तुम दोनों हमारे मध्य मत आओ। पुत्र, तुम्हारी विजय हो गई, अंततः तुम विजयी हुए। विजयी हुआ। ब्रह्मदेव कैसे, क्या अर्थ है आपका ब्रह्मदेव? स्वामी विजयी हुए कैसे? पुत्र, तुमने मुझे, नारायण को और महादेव को अपने समक्ष नतमस्तक करने के लिए ये बवंडर रचा। उस क्रम में ये बवंडर पृथ्वी से निम्न सभी ग्रहों को अपना ग्रास बना चुका है। हम इसे रोकने में असमर्थ रहे। नारायण और महादेव दोनों असफल होकर अपनी पराजय स्वीकार कर यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं। देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता जब इस बवंडर में समाहित हुए, इसीलिए जब इसके स्वामी अर्थात तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हो गया, तब थम गया ये बवंडर और सभी लोगों को बाहर फेंक कर उन्हें उनके स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया इसने। जो चाहते थे वो प्राप्त हो गया तुम्हें। तो फिर आप सभी यहाँ क्यों आए हैं ब्रह्मदेव? ये स्वामी ऐसे विचित्र प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्या अर्थ है इनका? पुत्र, तुम तो अत्यधिक बलशाली असुर बन चुके हो, मुझे तो पूर्व में तुम्हारा आदेश स्वीकार कर लेना चाहिए था, किंतु अब तुम्हारी इस विजय का साक्षी बनने के बाद तुम्हारी अपार शक्ति से प्रभावित होकर मित्र बनने आया हूँ तुम्हारा। मेरी भी यही इच्छा है कि तुम समस्त ब्रह्मांड के सम्राट के पद पर स्थापित हो जाओ। मेरा सुझाव है कि तुम पूर्ण रूप से इस बवंडर को दूर कर दो, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी, मेरे विचार से आपको। बस चुप रहो तुम दोनों, दिखाई नहीं देता कितने महत्वपूर्ण वार्तालाप के मध्य में हूँ मैं। स्वामी की दुत्कार स्वीकार है मुझे, किंतु कहीं उनकी हमारी बात ना सुनने से उनको हानि ना हो जाए। स्वामी एकाएक ऐसा व्यवहार क्यों करने लगे? ब्रह्मदेव, बात तो आप उचित कह रहे हैं, तो उचित है फिर। सब क्या कर रहे हैं स्वामी? पुत्र त्रिपुर, तुम मुझे अपने राज्य में लेकर चलो, मैं तुम्हें शासन करते देखना चाहता हूं। ये भी सर्वथा उचित ही है। कोई प्रश्न है? माता, माँ बगलामुखी रूप में आपने उस बवंडर को तो थाम लिया, सभी लोग बवंडर से मुक्त हुए और आपने उन्हें उनके स्थानों पर पुनः स्थित भी कर दिया,
तो फिर फूफा जी ने प्रकट होकर त्रिखुर से ये क्यों कहा कि वो विजयी हुआ है? पुत्र गणेश, देवी बगलामुखी वो शक्ति हैं जो अपने शत्रुओं की बुद्धि को स्तब्ध कर अपने नियंत्रण में लेने में समर्थ हैं। देवी ने अपनी मोहन विद्या का प्रयोग किया त्रिखुर पर, जिसके कारण त्रिखुर की बुद्धि उसे ही भ्रमित करने लगी। वहां मैं उसके समक्ष नहीं था, एक भ्रम था। मात्र एक भ्रम? मेरा सुझाव है कि तुम पूर्ण रूप से इस बवंडर को दूर कर दो। स्वामी, मेरे विचार से आपको बस चुप रहो। तुम दोनों, दिखाई नहीं देता कितने महत्वपूर्ण वार्तालाप के मध्य में हूँ? ये क्या कह रहे हैं स्वामी, यहाँ तो कोई भी नहीं। जब यहाँ कोई नहीं तो फिर किसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं वो? माता, अब मैं समझ गया, फूफा जी ब्रह्मदेव वास्तव में त्रिखुर के समक्ष नहीं थे। आपने अपनी मोहन विद्या से उनके वहाँ होने का भ्रम उत्पन्न किया था। किंतु माता, आप त्रिखुर का मस्तिष्क किसी के स्वर अथवा किसी अप्सरा के माध्यम से भी तो नियंत्रित कर सकती थी, फिर आपने ब्रह्मदेव का ही भ्रम क्यों उत्पन्न किया? त्रिखुर पूर्व में मेरा भक्त था, उसने मेरी तपस्या की थी, इसके लिए आवश्यक था कि त्रिखुर मेरे उस स्वरूप को देखे जिसके प्रति कभी उसके मन में सम्मान था, जिस पर उसे विश्वास था। देवी बगलामुखी त्रिखुर के मस्तिष्क को नियंत्रित नहीं कर रही थी, उनके द्वारा त्रिखुर को मोहन विद्या से प्रभावित करने का एक और बड़ा कारण था उसके अहंकार का नाश कर उसे सन्मार्ग पर लाने का एक अवसर देना था। फिर क्या हुआ माता? फिर त्रिखुर ब्रह्मदेव को अपने भवन में ले गया गणेश। ये ज्ञात नहीं, बार बार इर्द गिर्द किधर देख रहे हैं स्वामी। मुझे तो बस इतना ही स्मरण है कि वो नन्ही परी स्वामी के निकट आई और अदृश्य हो गई। मेरे विचार से ये उसी माया देवी का किया धरा है जो आकाश में प्रकट हुई थी। परंतु अब तो वो चली भी गई और ये संपूर्ण घटनाक्रम उसका ये परिणाम मेरी समझ से तो परे है। उच्चाटन? हाँ, मैंने उच्चाटन विद्या उत्पन्न की जिससे किसी को भी विक्षिप्त बनाया जा सकता है, जिससे वो विचित्र व्यवहार करने लगता है, जो नहीं कहना चाहिए वो कहने लगता है, जो नहीं करना चाहिए वो करने लगता है। और अब यही अवस्था त्रिखुर की भी होने वाली थी। आओ देखते हैं। क्या हुआ स्वामी, आप रुक क्यों गए? आप कुशल तो है ना? Thank you.
आपको अपने साथ अपने राजमहल में पाकर मैं कृतार्थ हुआ। सर्वथा कुशल है स्वामी, प्रतीत होता है मेरा ही सम्मान करने के लिए यहाँ रुके थे। ये मूढ़ बुद्धि कुरूपा क्या समझेगी? स्वामी मुझे मेरी बुद्धि, मेरे उनके प्रति निष्ठा के लिए सम्मानित करने ही तो मुझे संबोधित कर रहे हैं। आइए, मैं स्वयं आपको राजमहल के भीतर ले चलता। अवश्य असुर सम्राट, अवश्य। मेरा इतना सम्मान, किंतु ये तो होना ही था। इसी पल की प्रतीक्षा तो मैं कब से कर रही थी। ये विचित्र दृश्य मेरी उच्चाटन विद्या से उत्पन्न भ्रम के कारण प्रस्तुत हो रहा है। आइए। ये इस प्रकार नतमस्तक होकर दुष्टों को भीतर क्यों ले जा रहा है असुर सम्राट? ये जो भी हो रहा है सर्वथा अनुचित है। मैं अभी जाकर असुर महारानी देवी तृप्ता को सूचित करता हूँ। आपके राजभवन में आपका स्वागत है। आहा, मेरा राजभवन, इतना कर्ण प्रिय संवाद, मेरा इतना सम्मान, अति आनंदित हूँ मैं आज। असुर सम्राट त्रिखुर की जय हो, असुर सम्राट त्रिखुर की जय हो, असुर सम्राट त्रिखुर की जय हो, असुर सम्राट। मात्र मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो तुम? इनकी क्यों नहीं? अवश्य सम्राट, इनकी भी जय, इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो। मेरी जय जयकार हो रही है यहाँ। असुर सम्राट की प्रथम सेविका हूँ मैं, तो मेरी जयकार तो होनी ही चाहिए। इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो। अब उचित है। आइए, आप अपनी राजसभा में प्रवेश कर अपना स्थान ग्रहण करें। ये क्या कर रहे हैं असुर सम्राट? इन चाटुकार मूर्खाओं का इतना आदर क्यों कर रहे हैं असुर सम्राट? अब अपना आसन स्वीकार करने की कृपा कीजिए। असुर सम्राट इन्हें सर्वोच्च आसन प्रदान कर रहे हैं, तो क्या अब ये मूर्खाएं हमसे भी उच्च आसन पर स्थित होंगी? ये मूर्खा यहाँ तक क्यों आ गई? स्वामी तो मुझे ही संबोधित कर रहे थे। स्वामी मेरा सम्मान कर रहे हैं, तो ये कुरूपा क्यों मुस्कुरा रही है? वृथामती, हटो यहाँ से। वो आसन मेरा है। स्वामी मुझसे बात कर रहे थे। कदापि नहीं, इस आसन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। नहीं नहीं, तुम हटो मेरे मार्ग से। बहुत हुआ, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? स्वामी, इस मूर्ख को ये भवन त्याग करने का आदेश दीजिए। आपकी नवीन मंत्री होने के नाते मैं इसे यहाँ से निष्कासित करती हूँ। तो स्वामी, आप ही इसे बता ही दीजिए कि इस आसन की नवीन मंत्री मैं हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस कुरूपा का शीश इसके धड़ से विलग कर दिया जाए। वृथामती, किसने कहा तुम दोनों को कि इस आसन पर तुम दोनों में से कोई प्रतिष्ठित होगा? स्वामी ये क्या कह रहे हैं? ये आसन ना मेरा है और ना इसका। तो फिर कौन स्थित होगा इस पर? इस आसन पर प्रभु स्थित होंगे। किंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है।
पर इस रिक्त स्थान की ओर क्यों संकेत कर रहे हैं स्वामी? क्षमा कीजिए प्रभु, ये दोनों आरंभ से ही भिन्न भिन्न उत्पाद उत्पन्न करती रही है, परंतु आप चिंता न करें, आप आसन ग्रहण करें। मूर्खों हट जाओ इनके मार्ग से। किसके मार्ग से हटना है? असुर सम्राट हमें कहाँ हटने का आदेश दे रहे हैं? दूर हो जाओ इनके मार्ग से। आइए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। असुर सम्राट त्रिखुर को यह क्या हुआ है? मैं तो इससे ही अचंभित था कि वो इन दोनों मूर्खाओं को आसन पर बिठा रहे हैं, किंतु अब तो और भी विचित्र स्थिति हो गई है। वो किसी और को वहां स्थित होने का अनुरोध कर रहे हैं, किंतु वहां तो कोई है ही नहीं। मंत्रियों और सभासदों, दो बातें। एक, तुम सबको ज्ञात तो होगा ही कि मैंने नारायण और महादेव को परास्त कर दिया है और इंद्र एवं सभी देवता मेरे बवंडर की भेंट चढ़ चुके हैं। और दो, मैं इस ब्रह्मांड का निर्विवादित एक छत्राधिपति बन गया हूँ। ये सब क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं महाराज? ये अकस्मात क्या हो गया महाराज को? मेरी धृष्टता क्षमा कर दें असुर सम्राट, किंतु हमने तो इसके विपरीत ही कुछ सुना था। पुत्र त्रिकोर, मुझे खेद है, जिसकी मुझे शंका थी वही सत्य हुआ। क्या हुआ प्रभु? क्या शंका थी आपकी? ऐसा क्या सत्य है जो आपको दुखी कर रहा है? मुझे आशंका थी कि तुम्हारे राज्यसभा के अधिकांश मंत्री तुमसे ईर्ष्या करते हैं और यही ईर्ष्यालु मंत्री तुम्हारे ब्रह्मांड के स्वामी बनने के प्रयास में बाधा बन रहे थे। उचित थी मेरी शंका। मैं तुम्हारे राजकाज का निरीक्षण करने इसलिए आया था कि सत्य ज्ञात कर सकूं और तुम्हें सावधान कर सकूं। किंतु प्रभु, ये शंका क्यों जागृत हुई आपके मन में और ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि ये सत्य भी है? सत्य तो तुम्हारे समक्ष है पुत्र। तुम ब्रह्मांड विजेता बनकर आए हो और तुम्हारे मंत्री तुम्हारी इस महान उपलब्धि पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तुम्हारे कथन पर संदेह करने का दुस्साहस कर रहे हैं। हाँ, ये उचित है प्रभु, ऐसा तो कदापि नहीं होना चाहिए। धन्यवाद प्रभु, मुझे ज्ञात है आप मुझे उचित मार्गदर्शन देंगे। स्वामी, अब मैं अशांत नहीं रह सकती। आप किससे बातें कर रहे हैं? देखा पुत्र त्रिकुट, तुमने ये रहा प्रमाण इनकी ईर्ष्या का। तुमने अपनी राज्यसभा में मुझे इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया और ये लोग मुझे अनदेखा कर मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, वो भी तुम्हारे समक्ष, जैसे कि तुम कोई विक्षिप्त असुर हो। तो मैं ही दिखाता हूं इन्हें कि एक विक्षिप्त असुर क्या क्या कर सकता है। बस बहुत हुआ। दो बातें। एक, तुम्हारा अधिपति हूं मैं, सेवक नहीं। उससे प्रश्न करने वाले
मुझ पर उंगली उठाने वाले होते कौन हो तुम? और दूसरी, इनकी अवहेलना कभी नहीं सहन करूंगा मैं। सबके सब अभी के अभी नतमस्तक हो जाओ इनके समक्ष। किंतु असुर सम्राट, हम किसके समक्ष झुके, किसका आदर करें? आसन पर तो कोई है ही नहीं। इधर आओ। मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो तुम। लो, इसका दंड सहो अब। नहीं, बुद्धिमानी तो इसी में है कि स्वामी जो भी कह रहे हैं उसे शांति पूर्वक स्वीकार कर लो, अन्यथा ताड़ना झेलनी होगी। नवीन मंत्री की जय हो, 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 नवीन मंत्री की जय हो। कदाचित तुम दोनों इतनी मूर्ख नहीं जितना मैंने तुमको समझा था। जब से हम यहाँ आए हैं तुम सभी दुष्ट मेरे प्रभु की अवहेलना कर रहे हो, क्योंकि मेरे प्रति ईर्ष्या से भरे हुए हो तुम सभी। और अब ताड़ना के भय से अचानक इन दोनों को वो दिखाई देने लगे। अब और कौन शेष है जिसे प्रभु दिखाई नहीं दे रहे हैं? बोलो। मुझे भी दिख रहे हैं। हाँ असुर महाराज, मैं तो शुरू से ही देख रहा हूँ इन्हें, वो तो हमारे साथ ही हैं। नवीन मंत्री की जय हो, नवीन मंत्री की जय हो, नवीन मंत्री की जय हो, नवीन मंत्री की जय हो। भय के बिना आदर प्राप्त नहीं होता। अब उचित मार्ग पर आए हैं ये सभी। अब उचित है पुत्र, परंतु अभी एक कार्य शेष है। अब तुम ब्रह्मांड के अधिपति हो, इसलिए तुम्हारे राज्य के नियम और तुम्हारे मंत्रियों के कार्यभार पूर्व के समान नहीं रह सकते। इसलिए तुम्हें अपने मंत्रियों को नवीन दायित्व देने होंगे, उनका कार्यभार बढ़ाना होगा। अब संपूर्ण ब्रह्मांड का भार जो है तुम्हारे ऊपर। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं प्रभु। अब क्या कह दिया उस महापुरुष ने? मैं ब्रह्मांड का सम्राट हूं, तो मैं अपने मंत्री परिषद में कुछ परिवर्तन करूंगा। सभी मंत्रियों को नवीन दायित्व दूंगा और इसका प्रारंभ होगा सेनापति से। युद्ध भूमि हो अथवा राज्यसभा, संकट का सामना सर्वप्रथम मुझे ही क्यों करना होता है? ये क्या कर रहे हैं असुर सम्राट? समझ गए ना सेनापति? समझ गया? असुर सम्राट ने जो कहा उसमें समझने योग्य कुछ कहा था, किंतु यदि मैंने ऐसा कहा तो कदाचित मैं उनके हाथों प्रताड़ना का भागी बनूंगा। अवश्य असुर सम्राट, मैं सब समझ गया। मुझे अपने नवीन दायित्व स्वीकार है असुर सम्राट। सेनापति समझ गए, किंतु मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। कदाचित ये मेरी बुद्धि की कमी तो नहीं? जी
और सुनो, तुम्हारे लिए समझ गए ना तुम सब? जी जी असुर सम्राट, सब समझ गए असुर सम्राट, सब समझ गए असुर सम्राट। और तुम दोनों के लिए एक अत्यंत विशेष कार्य है। जी स्वामी, उचित है, हम समझ गए। रुको दुर्मुखा, तुम्हारे लिए जी जी स्वामी। क्या हो गया है हमारे महाराज को? संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रण करने की शक्ति है, आज वो स्वयं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। दुष्ट अपनी विक्षिप्त बुद्धि से संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल रहा था, और आपने उच्चाटन विद्या का प्रयोग कर उसे वास्तव में विक्षिप्त बना दिया। किंतु अभी तो उसे और सीख प्राप्त होनी थी ना माता? वरदान की शक्ति तभी व्यक्ति के उद्धार के लिए काम में आती है जब उसका प्रयोग सकारात्मक कार्य के लिए किया जाता है।